गाइस हम लोग पहुंच गए और पूरे 10 मिनट रह गए रोजा अफ्तार होने में। हम खाने लगे हैं खाना, तो मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ। और मैं कहें गाइस आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने कोई बात क्यों नहीं की, वो वैसे शर्मीला थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और फिर से 3 दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन बस मसरूफियात थी थोड़ी, क्योंकि रमज़ान भी है तो बस टाइम नहीं निकल रहा था व्लॉग बनाने के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह अफ्तारी पे। सबसे पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे, वो मुझे छोड़ने जाएंगे। बाद में आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है। तो मैं रेडी होके आती हूँ वापस अभी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मुझे ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं, यानी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वालों के साथ, मेरी नंद के ससुराल अफ्तारी पर। अब मैंने आप लोगों को असल बात बता दी है और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, अब हम निकलने लगे हैं। और लिसन गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नहीं किया तो प्लीज़ कर दे, बिकॉज एज सून एज पॉसिबल हमने पहुंचना है 50K तक। प्लीज़ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, कोई पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं होता, बस आपने एक क्लिक करना होता है और चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। गाइस हम लोग पहुंच गए और पूरे 10 मिनट रह गए रोज़ा अफ्तार होने में, हम काफ़ी लेट हो गए हैं, बल्कि हम भी बस हुए हैं लेट। मैं भी जाऊं, ओके अल्लाह हाफिज़। गाइस देखें मैं कितनी टाइम की पाबंद हूँ, अभी 3 मिनट रह गए रोज़ा अफ्तार होने में और मैं आके बैठ गई हूँ, और मेरे ससुराल में से कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा था तुम डायरेक्ट चली जाओ और हम आ रहे हैं, और अभी तक उनमें से कोई आया ही नहीं है, इतने इररिस्पॉन्सिबल है ना। अब हम उनका वेट कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। तो देखें खाली है, यहाँ सिर्फ चीज़ें पड़ी हुई हैं और मैं हूँ बस। मुझे तो लग रहा है इन्होंने बस मुझे अफ्तारी पे बुलाया हुआ है, अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो फिर मैं आपको मिलवाती हूँ। नहीं, इंतज़ार के बाद अब मामा पापा आए हैं और साथ में बड़े भाई भी आ गए हैं, मैं आपको इनसे मिलवा दूँ। और मैं आपको एक डेंजरस खबर बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा मैं सलाम दुआ करवा दूँ आपकी। ये देखें, ये हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, सबसे लेट आए हैं, वो इस वजह से क्योंकि रात को मामा का हुआ है एक्सीडेंट। और देखें इनके फेस से आपको पता चल रहा है ना, ये शो नहीं करवा रहे इनके, आप बताए ना जरा कहाँ कहाँ चोट लगी है, और घुटनों पे। ओह माय गॉड, अल्लाह का शुक्र है कि बच बचा हो गया। आप नहीं थे साथ? आप नहीं थे ना, तो कौन था साथ आपके? मेरा बेटा। अच्छा, तो मामा के जवाई साथ थे इनके, लेकिन फिर भी उनको भी चोट लग गई है और नूर को भी लगी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है अब ये बेहतर है। और मेरा काम होता था मैं आपको बताऊं, और खबर से आगाह रखती हूँ मैं आपको। और शहज़ेब भाई तो ऐसे देख रहे हैं पीछे छुप के कि मैनू क्यों नहीं लिया आंदा। हाँ, मेरे भाभी घूर घूर के देख रही है कि मैनू क्यों नहीं लिया आ रही। हेलो, हाँ जी, आप सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। हाँ भाभी भी ठीक है। और आपने कौन सा डॉक्टर वाला मास्क लगा लिया आज? जल्दी जल्दी में तो आपने मुझे बताया ही नहीं, मैंने रात को कहा था आपको, आपने मुझे कहा ही नहीं कि ले आना। नहीं तो मैंने कहा मैं ले आऊंगी, तो इतनी देर हो गई थी फिर रस्ते से मैंने मिला जल्दी जल्दी से। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर आप मुझे कह देते तो मैं आप ही ले आती। चलो कोई नहीं, इसी से काम चला लें, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, मास्क तो मास्क है ना। अभी आपको देख के लग रहा मैं आपको पता लेने आई हूँ हॉस्पिटल। अभी हूँ किधर, हम अभी हूँ ले आते हैं इधर आओ। आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? सारे रख रही हो? सारे पूरे चल रहे हैं? तो अब हम खाने लगे हैं खाना, तो मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ। और मैं इधर आ गई, मैंने अपनी जगह चेंज कर लिया है, मैं मामा के पास आ गई। मैंने कहा मैं काफ़ी दूर हूँ तो वहाँ से खाना पिक होना नहीं है मुझसे, इस वजह से मैं यहाँ आ गई। अब मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये सब खाना है, खाना काफ़ी टेस्टी लग रहा है, तो अब मैं ज़रा खा लूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ आपसे। बातें हो रही हैं रमज़ान की, रोज़ों की, और मैं अपना कस्टर्ड इंजॉय करने लगी हूँ। खाना भी खा लिया है, कस्टर्ड भी खा लिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत यम्मी था। और यहाँ पे मुझे है ना मामा का दामाद भी आ गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ मामा का दामाद है कौन होने वाला। मामा का होने वाला दामाद हसन है दादी, ठीक है। गाइस आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने कोई बात क्यों नहीं की, वो वैसे शर्मीला है थोड़ा। तो अब हम जाने लगे हैं घर वापस, और टाइम हो गया है 8:30 होने वाले ऑलमोस्ट, और हम कर रहे हैं साबित भाई का वेट और बस फिर निकलते हैं। तो ये मामा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है इस टाइम, क्योंकि इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई।
हाय नींद भी पूरी नहीं हो रही, इन्होंने जाके बहुत ज्यादा आराम करना है आज। ओके आपको देख के लग रहा है आपको नींद आई हुई है। अभी हम मुझे कहती है मम्मा मैं रूम की सफाई करती हूँ तो मेरा व्लॉग बनाओ। मैं मोबाइल था उसके साथ इसकी वीडियो बनाती रही। अच्छा सफाई करती रही फिर व्लॉग बन गया। नहीं नहीं तो व्लॉग में बोलना नहीं था। बोलते ही हूँ साथ मेरी बेटी ये काम कर रही है कर रही है। तो किधर है फिर? अच्छा ऐनी खराब था ना आपने तो विवाह के साथ प्रैंक कर दिया। तो चले ठीक है गाइस मुझे लगता है कि साबित भाई आ गया, हमें बाइक की आवाज़ आई है तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। ओके हम आ गए हैं घर वापस और ये रही मेरी नंद जी। हाँ हम इसी के ससुराल गए थे और काफ़ी अच्छी अफ्तारी भी हो गई है। और हम गए क्यों थे सिर्फ अफ्तारी के लिए? हम बिल्कुल भी नहीं गए थे, हम एक्चुअली गए थे क्योंकि क्या करना था मैं किस तरीके से बताऊँ, ईद देने के लिए गए थे। यानी कि इसके मंगेतर को हम देने गए थे ईद। और मैंने आपको दिखाया नहीं हमने ईद क्या दी, हमने इतनी चीज़ें बाय की नहीं क्योंकि हमने थोड़े कपड़े शपड़े लेने थे। लेकिन क्योंकि रात को मामा का हो गया था एक्सीडेंट, उनकी तबीयत भी ख़राब थी तो फिर हमने सोचा शॉपिंग सुबह में क्या जाएँ रहने देते हैं, इसलिए उनको पैसे ही दे आए हम। और इन्जॉय भी हो गया, वहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा था, सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त था। और अभी मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, इस से ही ये मेरे व्लॉग में आ रही है। और मैं इसलिए भी आई हूँ क्योंकि नूर की तबीयत ख़राब है, क्योंकि जब रात में एक्सीडेंट हुआ था तो नूर भी साथ ही थोड़ी सी उसको भी चोट लग गई है। तो बस लेकिन मैं आई हूँ तो वो सोई हुई है, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को बताऊँ तो सही कि हम कहाँ हैं। इस टाइम हम वापस आ चुके हुए हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देखें गाइस इनके लिए कस्टर्ड भेजा था उन्होंने, बल्कि इनके लिए नहीं भेजा था, भेजा तो उन्होंने, आप समझ गए ना किसके लिए? नहीं। तो ये भी शुरू हो गया साथ। खाले खाले कोई बात नहीं। ये देखें कभी आप भी इतने मसरूफ नहीं होते होंगे जितना एमन मसरूफ बैठी है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर वापस और टाइम हुआ है 11:30 का और इस वक्त मेरा सर बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मेरे साथ एक अदद तोहफा भी आ गया, तोहफा मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा तोहफा है। तो तोहफा ये है, हाँ तो मेरे साथ ये अबीहा भी, बल्कि हमारे साथ अबीहा भी आ गई है। उसने कहा कि मैंने अपने चाचू की तरफ जाना है तो हम उसको ले आए हैं। आई डोंट नो इसका दिल इधर लगेगा या नहीं, ये बहुत जल्द ना उकता जाती है, बागी हो जाते हैं बच्चे, आपको पता है ना माँ बाप के बगैर ज्यादा नहीं रहते। लेकिन अबीहा आप रह लोगी? रहना उसने रहना नहीं है, वो बस थोड़ी देर के लिए आई है, अभी वो थोड़ी देर तक चली जाएगी, जब उसका दिल भर जाएगा ना तब वो चली जाएगी। ओके तो अब मैंने करना है बहुत सारा बहुत ज़्यादा काम। और ये देखें पीछे इतने खिलारे पड़े हुए हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं ये भी बहुत खिलारे डालते हैं, इनका बस आप ऐसे शाहरुख खान के पोज में खड़े हो गए हैं, बड़े खिलारे डालते हैं ये, बहुत करते हैं काम शाम जो हुआ भी होता है ना उसको भी बिगाड़ देते हैं। अभी देखें ये टिश्यू यूज़ कर रहे हैं ना, तो इन्होंने इतना नहीं करना, वो बास्केट है मैंने रखा भी हुआ सारा कुछ है रूम में, लेकिन फिर भी ये नीचे फेंक देते हैं, इनके इस आदत से ना मुझे ना बोलो पागल वाला तो नहीं हो गई क्यों? बास्केट में फेंकता हूँ तो फेंक के बास्केट में, मैं देख रही हूँ बाद में फेंकूं, फिर कहेंगे उठा लेना वो देखे उठा लेना नीचे बात करने वाली। अब मैंने बनाना है खाना, आई होप कि गैस आ रही हो, मैंने घर से मेटना है खाना बनाना है क्योंकि कल भी अम्मी की तरफ गए हुए थे तो कल भी मैं कुछ नहीं बना पाई थी, लेकिन आज तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही है क्योंकि बाजार की चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अब जल्दी से मैं कपड़े चेंज कर लूँ उसके बाद लगते हैं काम पे। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस।